खाली फिल्में बनेगी कहाँ से? जब सरकार अगर कोई फिल्म नीति नहीं अपनाएगी, कोई इंडस्ट्री नहीं बनाएगी, तो कहाँ से फिल्में बनेंगी? और रही बात गढ़वाली भाषा की, लोक भाषा की, तो ये अभी तक केवल एक साहित्यकार लोगों के रूप से ही, कवियों के रूप से ही इस भाषा का बचाव हो रहा है। और थोड़े से हमारे जो लोक गायक हैं पुराने से लेकर अभी जो नए गायक भी हैं, जो वेस्टर्न की तरफ भागते हुए भी अपनी बोली भाषा को नहीं छोड़ रहे, और वेस्टर्न मिक्स करके जैसे इन अगेन प्रकार हैं, लेकिन अपनी बोली भाषा को एक बचाने का प्रयास कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है, और सरकार को चाहिए कि इस बोली भाषा पे कुछ करे। अब जैसे कुछ स्कूलों में जैसे आज की जो नई जनरेशन है उनको पढ़ाया जाए गढ़वाली, कुमाऊनी, जो भी जौनसारी भाषा, और फिल्म नीति बनाए। फिल्म नीति के कारण कुछ लोक भाषा को महत्व मिलेगा, और लोक जो साहित्य है उसको महत्व मिलेगा। जैसे कि आप गाना भी गाते हैं और उस गाने का मंचन भी करते हैं, जी, तो इस तरह की जो परंपरा है ये कब तक जिंदी रहेंगी इस तरह के माहौल में? जब तक सुनने वाले जीवित हैं, अच्छे लिखने वाले जीवित हैं, तब तक ये परंपरा चलेगी। और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि पहले मैं जब तकरीबन कक्षा 9th में 10th में पढ़ता था, तब उस समय दिलेर मेहंदी, सुखविंदर सिंह, उनका यहाँ पे राज था। ये कहने का मतलब कि यहाँ पे जो शादी बारातें होती थी हमारे गांव में, चाहे दूर आप दूर क्षेत्र में चले जाइए, बोलो तारा रारा, इस टाइप के गाने पे लोग डांस करते थे। आज शादी बारातों में केवल गढ़वाली बजता है, कुमाऊनी बजता है। ये हमारी एक उपलब्धि है, बहुत बड़ी उपलब्धि। और इसको देखते हुए ये लगता है कि जो आने वाली पीढ़ी है, जैसे अभी नए सिंगर्स आ रहे हैं, हालांकि उनके अभी उनको मैं यही कहूँगा कि तुम लिखना शुरू करो, कभी जो अच्छा लिखता है उसको लिखना चाहिए। ये नहीं कि जो हम आटा पीस चुके उन्हीं आटा को वो लोग पीस रहे हैं, जो हमने गा रखा उनको दोबारा गा रहे। ठीक है, आपका टैलेंट है, आपकी गायकी आप दिखाइए, लेकिन कुछ लिखने, अब लिखने वाले खत्म हो जाएंगे तो कहाँ से बोली भाषा बचेगी? फिर वही पैटर्न चलेगा, एक एक का गाना, एक एक का गाना गाएगा। अच्छा लिखो, और मुझे जहाँ तक लगता है कि गायकी से, मंचन से जो हमारे मेले थोले हो रहे हैं, इनकी वजह से काफी दूर तक हमारी परंपरा बची रही है।